50,000 आदमी को रोजगार। दोस्तों देख सकते हो कि मार्केट से 50,000 आदमियों को रोजगार मिला। छोटी बहू नाम है, छोटी बहू। छोटी बहू इसका नाम है नखराली बहू। देखिए छोटी बहू ये नखराली बहू। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार, मैं आपको आपका अपना चैनल मवागाछी ग्रीन में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको मुजफ्फरपुर का जो सूता पट्टी है उसका पूरा ब्लॉग दूंगा। इस मार्केट में ऐसे थोक विक्रेता जो होता है कपड़ा का वो पूरा है, देख सकते हो मेरे पीछे ये पूरा थोक दुकान है, वही लगा हुआ है पूरा है कपड़ा का। तो मैं सब चीज़ बताऊंगा यहाँ पर कैसे आप पहुँच सकते हो और क्या क्या चीज़ यहाँ पर मिलेगी आपको। यह उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। सूतों के व्यापार से चालू हुआ यह बाजार सूता पट्टी मंडी अपने आप में एक खास पहचान रखता है। इसकी पहचान देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। जितनी कम चौड़ी इस बाजार की गलियां है उतनी ही बड़ा इसका व्यवसाय भी है। जैसे मेरे पीछे देख सकते हो दोस्तों, यह पूरा सूता पट्टी इलाका है, यह मुजफ्फरपुर जिले में है। यह बाजार जो है दोस्तों वह उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है। इस बाजार की यह खासियत है दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी कपड़ा का फैक्ट्री नहीं है, मतलब कोई भी कल कारखाना नहीं है, फिर भी जाकर के यह उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कपड़ा मंडी है। यह थोक विक्रेता यहाँ पर अधिक है और सारे दुकानदार लोग भी यहाँ पे जाते हैं। सर आपका नाम क्या होगा? जी प्रमोद कुमार मोदी जी। आपका शॉप का नाम? प्रमोद। सूता पट्टी फेमस क्यों है इतना? ये कपड़े के व्यापार के लिए फेमस है, क्योंकि कपड़े का व्यापार और कपड़े के व्यापार के लिए फेमस है। यहाँ पर अरबों का व्यापार होता है और यहाँ के टोटल जितने भी व्यापारीगण हैं यहाँ से कपड़ा ले जाते हैं और यहीं से कपड़ा ले जाके वो गाँव गाँव में कपड़ा देते हैं, इसीलिए सूता पट्टी की आवश्यकता है। कितना दुकान होगा सर यहाँ पे? ये होलसेल के करीब 1,000 दुकान यहाँ पर होगी। और इस मार्केट में कितना लोगों को रोजगार चलता होगा? मार्केट से कम 20,000 लोगों का रोजगार चलता है। दोस्तों देख सकते हो एक मार्केट से 20,000 लोगों को परिवार चल रहा है, इस मार्केट से बहुत ही बड़ी है। और मुजफ्फरपुर का लगभग फाइनेंशियल जो होता है यहीं से बनता है, अर्थव्यवस्था जो है इसी मार्केट से बनता है। होलसेलर उत्तर बिहार का सबसे बड़ा होलसेलर मार्केट ना सर? मुजफ्फरपुर ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कपड़े का व्यवसाय है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट एरिया में सबसे ज़्यादा कपड़े का व्यवसाय होता है, इसीलिए सूता पट्टी पूरे बिहार में नहीं पूरे भारतवर्ष में कपड़े के व्यापार के लिए। यहाँ पर कौन कौन वैरायटी का कपड़ा मिल जाएगी? यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी का कपड़ा मिलता है, क्योंकि सभी टाइप का जो भी है हैंडलूम जो भी कपड़ा है रेडीमेड सभी टाइप के कपड़े का व्यापार किया जाता है। सभी टाइप के कपड़े जितने भी कपड़े की वैरायटी आ रहा है यहाँ पर। सर आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। 9 दोस्तों तो आगे इस गली के बारे में जो बताता हूँ, तो सूता पट्टी मार्केट जो है मुजफ्फरपुर का अर्थव्यवस्था का 60% यह मार्केट जो रखता है। तो देख सकते हो मेरे सामने या पीछे पूरा जो है यह कपड़ा का ही मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे। तो इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर ले। दोस्तों कमेंट करके भी बताइएगा कि और कैसा वीडियो मैं प्रोवाइड करूं। देख सकते हो दोस्तों इधर जैसे मैं शुरू में ही बताया था, इसकी गली जितनी कम चौड़ी है व्यवसाय उतना ही बड़ा है यह सूता पट्टी मार्केट का। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो इतनी कम चौड़ी गली है कि जाम वगैरह की समस्या जो है यहाँ बनी रहती है, लेकिन व्यवसाय जो है उतना ही बड़ा इस मंडी का है। इसमें होलसेलर जो है दुकान है वह काफ़ी ज़्यादा है, सूता पट्टी मंडी में होलसेलर दुकान काफ़ी ज़्यादा है। और सारे दुकानदार से मैं बात भी करूँगा कि यहाँ पर क्या चीज़ है, क्या चीज़ की फैसिलिटी है, और टोटल चीज़ मैं इस वीडियो में अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। अभी सुबह का टाइम ही है दोस्तों, तो इसी कारण ये जो दिख रहे मंडी अधिकतर मंडी बंद है, अधिकतर जो शॉप है इस मंडी का वो बंद चल रहा है। सुबह का टाइम है तो ये लोग दुकान से बाहर ही हैं, इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हो गया? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार सर यहाँ कहाँ कहाँ की कस्टमर पहुँच जाएगी, पहुँच रही है? यहाँ सब जगह कस्टमर पहुँचते हैं, और बिहार में जितने भी लोग हैं सब बड़े सारे लोग आते हैं। यह फेमस इतना क्यों है सर? मंडी है इसलिए फेमस है।
शॉप का नाम श्री टेक्सटाइल। श्री टेक्सटाइल तो और जो दुकानदार उनसे बातें करते हैं सर, आपका दुकान का नाम क्या हो गया? प्रतीक सिंथेटिक्स। आपका नाम क्या हो गया? रतन कुमार। रतन कुमार, आपके दुकान में क्या क्या चीज मिलेगी? सब फैंसी साड़ियाँ मिलेंगी, लहंगा सूट सब मिलेगा। होलसेल? होलसेल, होलसेल। और रिटेलर दे देते हैं एकदम सर। अच्छा, रिटेलर। यहाँ पे आने के लिए कैसे आना पड़ेगा? कहाँ है ये? ये बैंक रोड होगा। बैंक रोड हो गया, सुतापट्टी बैंक रोड। सुतापट्टी बैंक। इसमें मार्केट में कितना होगा दुकान? 500 के आसपास। 500 के आसपास। और इस मार्केट से कितना लोगों को रोजगार मिला होगा? हजारों लोगों को मिलता है। हजारों लोगों को। आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। दे दूंगा जी, बताइए। 9304607606। अगर आप यहाँ से जो सर बोले हैं वो वैरायटी लेना चाहते हैं तो इनसे मोबाइल नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं सर, यहाँ से पार्सल भी आप भेजिएगा अगर तो कैसे? हाँ, मिल जाएगा। यहाँ से ऑनलाइन भी पार्सल भी आता है? ऑनलाइन। तो ये हो गया शॉप इनका, आप शॉप देख सकते हो दोस्तों। हर वैरायटी का साइज है, रहता देखिए और क्या है साड़ी का नाम? सब क्या है? ये छोटी बहू नाम है, छोटी बहू। छोटी बहू, अच्छा। इसका नाम है नखराली बहू। देखिए छोटी बहू, ये नखराली बहू। सर ये भी बताए कहाँ कहाँ के ग्राहक यहाँ पहुँच जाती है? यहाँ पूरे बिहार के लोग आते हैं। पूरे बिहार के लोग आते हैं। ये बड़ी बहू साड़ी है, देखिए मेरा माल झारखंड भी जाता है। अच्छा, क्या क्या कौन कौन नाम बोले? अच्छा, बहुत सा नाम। नाम क्या क्या? क्या क्या? छोटी बहू। छोटी बहू। अच्छा, ये छोटी बहू। ये राजस्थानी साड़ी हो गई दोस्तों। बहुत सारे वैरायटी मिल जाएगी, जैसे भैया दिखा रहे हैं, जैसे देखिए लहंगा का भी बहुत सारे वैरायटी है। टोटल चीज मिल जाएगी और एक अच्छे रेंज में मिलेगी ना सर? अच्छे होलसेल प्राइस जी, होलसेल प्राइस में मिलेगी। रिटेलर में भी आने पर होलसेल प्राइस मिलेगी। सारी 800-900 में मिलती है राजस्थानी से, देख हजार के रेंज में। तो चलिए दोस्तों, और सारी दुकान है वहाँ पर भी जा चलते हैं। कौन से दुकानदार हैं अंदर? चलिए इनसे बातें करते हैं। बात कीजिए बता देंगे उनसे। आपका नाम क्या बताइए? मेरा नाम प्रिंस कुमार। क्या स्थिति हो गया इन दुकान का नाम? शिवास रेडीमेड। आप में क्या क्या मिलेगा सर? रेडीमेड का हर चीज मिलेगा, लड़का लड़की छोटा बच्चा सियाना जन्म लिया हुआ बच्चा से लेकर हर चीज़ कपड़ा। होलसेलर? हाँ, होलसेलर। शेरवानी सूट हर कपड़ा मिलेगा सर। इस मार्केट में कितना दुकान होगा? इस मार्केट में नहीं होगा, 10 लाख से ऊपर दुकान होगा। कितना लोगों को रोजगार मिला होगा? रोजगार नहीं भी होगा, रोजगार तो आपको यहाँ 50,000 आदमी का रोजगार होगा दोस्तों। देख सकते हैं कि मार्केट से 50,000 आदमियों को रोजगार मिला है और सूतापट्टी से सिर्फ 50,000 को रोजगार मिला। और क्या क्या इस मार्केट में क्या क्या चीज़ मिलेगा? हर चीज़ मिलता है, कपड़े का हर आइटम मिलेगा, साड़ी सूट से लेकर कपड़े का हर चीज़ मिलेगा। जो कपड़े का सामान चाहिए वो कपड़ा आपको मिलेगा। स्टेशन से इसकी दूरी कितनी होगी? हाफ एन किलोमीटर। स्टेशन से दोस्तों इसकी दूरी हाफ एन किलोमीटर है। आप यहाँ से स्टेशन से ऑटो भी से भी आ सकते हैं या वॉकिंग के हिसाब मतलब पैदल भी आप। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है सूतापट्टी, मुजफ्फरपुर का सूतापट्टी जो होलसेलर में कपड़ा का दुकान है। यहाँ पे आपको जब काम हो कपड़ा का या होलसेलर की खरीदारी करना हो तो यहाँ पर आप आ सकते हो। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुजफ्फरपुर में क्या क्या चीज़ फेमस है, तो सभी चीज़ का ब्लॉग मैं आपको दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जाइए मेरे इस चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं रोहित कुमार कैमरामैन शिवम कुमार के साथ मोगा गाछी ग्रिल। वंदे मातरम, जय हिंद।